तो डैम है, ये डैम से ये ओवरफ्लो हो रही है। ये देखो यहाँ के करीबी काफी ये नदी बह चुकी है और करीबी गांव वालों को नुकसान भी है, जितना भी जानी माली नुकसान भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की सूरत हाल अपने दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं कि जहां पर थड्डू डैम का पानी शदीद तूफ़ानी बारिशों के बाद ओवरफ्लो हो चुका है और गुज़िश्ता कई घंटों से थड्डू डैम से पानी का अखराज जारी है और इस पानी की वजह से जो करीबी आबादियाँ हैं वो शदीद मुतासर हो चुकी हैं और इस टाइम स्कीम 33 फलकनाज अंचोलीस पार्को मद्रास ग्वालियर पार्क साइंटिस्ट सोसाइटी में भी थड्डू डैम का पानी दाखिल हो चुका है और एक सैलाबी पानी की सूरत इख्तियार कर चुका है, लेकिन ताहाल इस पानी को रोकने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए जा सके हैं। और ये मनाजर आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कराची में होने वाली बारिशों के बाद हब डैम में भी पानी की सतह फुल हो गई थी और इंतज़ामिया को स्पेल वेस से पानी निकालना पड़ा था। और अब थड्डू डैम के हवाले से ये ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि जहां पर थड्डू डैम से पानी का अखराज शुरू हो चुका है और वहां पर शदीद तूफ़ानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।